सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ह्यूज फुटवेयर हॉल फ्रॉम मीशो। तो मैंने काफी सारी शॉपिंग की है फुटवेयर की मीशो से, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना भी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैंने परचेस किया है वो है ये जूती। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइट जूती है। दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे गोल्डन वर्क डिटेलिंग दी गई है एंड मिरर वर्क नहीं है, ये प्लास्टिक जो होता है जो मिरर का इल्यूजन देता है वो वर्क है। तो गोल्डन वाइट की पेयरिंग दी गई है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी इंडियन वेयर में। तो ये है फर्स्ट, ये इस तरीके से जूती है। पीछे की सोल अगर मैं दिखाऊं तो ये नॉन स्लिपरी है, इसे इजीली स्लिप नहीं होगा। एंड नंबर 9, इंडियन नंबर 9 के हिसाब से मैंने ये ऑर्डर किया है। तो या दिस वॉज द फर्स्ट वन। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक और इस ब्रेक में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मामा अर्थ का एक नया रेंज जो मैंने फिलहाल ट्राई किया है एंड विच इज ग्रीन टी रेंज एंड आई लव्ड इट। सो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी टोनर के बारे में। इट्स मामा अर्थ का ये ग्रीन टी टोनर। सो दिस इज स्पेशली फॉर ओपन पोर्स। जिनको भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बेस्ट वर्क करता है। सो इट्स एल्कोहल फ्री एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। सो इट कंटेन्स ग्रीन टी एंड कोलेजन। तो ग्रीन टी जो होता है वो आपके ओपन पोर्स के लिए काम करता है एंड कोलेजन जो होता है वो आपके स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। सो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है, तो उसे ट्रीट करने का तरीका है कि आप कोई भी जेल बेस्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसे वॉश करने के बाद आप टोनर यूज कर सकते हैं। तो इस टोनर को जस्ट आपको कॉटन पैड पे लेना है और डैप डैप करके आपके फेस को लगाना है, दैट्स इट। तो लेट मी शो यू कि ये अंदर से कैसे दिखता है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। द कलर एंड द पैकेजिंग इज सो कूल, लाइक मुझे ये काफी अच्छा लगा। तो ये इस तरीके का पंप स्टाइल बॉटल है, तो यू जस्ट हैव टू पंप ऑन योर कॉटन पैड्स एंड जस्ट डैप इट ऑन योर फेस। टोनर करता क्या है ये मैंने अपने काफी सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो जैसे ही आप फेस वॉश करते हैं तो आपके फेस का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए टोनर हेल्प करता है। वो आपके फेस का पीएच बैलेंस अगेन से मेंटेन करता है, विच इज व्हाई वी नीड अ टोनर। लाइक मैंने ये ग्रीन टी वाला टोनर स्टार्ट किया है एंड आई लव्ड इट एंड आई रियली लाइक्ड इट। उसके बाद मैंने इनके सेम रेंज का डे क्रीम ऑल्सो ट्राई किया था। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो अगेन दिस इज फॉर ओपन पोर्स। लेट मी शो यू कि ये अंदर से कैसे दिखता है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। इट कम्स विद अ ग्लास बॉटल एंड आई रियली लव द पैकिंग। सो ये ऊपर से एक लिड दिया गया है एंड उसके अंदर ये क्रीम है। यू जस्ट नीड अ लिटिल अमाउंट एंड यू आर गुड टू गो। तो इसे अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने टोनर अप्लाई कर लिया, उसके बाद आप डे क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको 6 आवर्स तक प्रोटेक्शन देगा एंड यस आपके फेस पे बिल्कुल भी चिपचिपा या फिर हैवीनेस नहीं फील करवाएगा, विच इज रियली अ गुड थिंग। सो अगेन इट कंटेन्स ग्रीन टी एंड कोलेजन। तो ग्रीन टी आपके स्किन को नरिश करता है, आपकी इम्प्योरिटीज को निकालता है एंड जो कोलेजन है वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सिंस इट्स कमिंग फ्रॉम मामा अर्थ, एक ट्रस्ट ये भी है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही जेन्युइन होते हैं एंड साथ ही साथ बहुत अच्छा वर्क भी करते हैं। और इनकी खास बात ये है कि एवरी टाइम यू परचेज फ्रॉम मामा अर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर विद द ट्री दे प्लांट एंड दे आर प्लानिंग 1 million trees in 2025, which is a great initiative. And you all know Mama Earth is a plastic positive brand and which is good for environment as well. They recycle more the plastic than they use. So it's a great for your environment as well. And if you also like it, you can try it and purchase it from the given link. Of course, it is available on Nykaa, Purple, Amazon, Flipkart, and Mama Earth official app as well. So Mama Earth official app gives you early access to some sale and of course you can use my code which is NJ2022 to get extra 20% discount. So for what are you waiting for? Let's shop and give your skin a great treat. Next
जो मैंने परचेस किया है वो है एक स्नीकर्स। सो ये इस टाइप के स्नीकर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट की डिटेलिंग दी गई है, ब्लैक थोड़ा बहुत डिटेलिंग दी गई है, अंदर से पूरा ब्लैक है और व्हाइट इसके जो नॉट्स लगे हुए हैं आगे वो व्हाइट है। थोड़ी सी हील दी गई है, लाइक हील वाले स्नीकर्स है, हल्की सी हील है, बहुत ज्यादा हील नहीं है। एंड क्वालिटी के मैं बात करूँ तो नॉट बैड, एंड जिस प्राइस में मुझे ये मिला है उसमें तो नॉट बैड एट ऑल। तो काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है एंड स्टडी भी है एंड बिल्कुल भी हैवी नहीं है। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है ये शूज है, वेस्टर्न वेयर पे पहनने के लिए शूज है। आप या तो इसे ड्रेस के अंदर पहन सकते हैं या फिर वेस्टर्न वेयर कोई भी पैर उसके अंदर अंडरनीथ इसे वेयर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का शूज है, हील वाले शूज है, फुल ब्लैक में है और हल्की सी गोल्डन डिटेलिंग दी गई है। ये मटेरियल एक वेलवेट का मटेरियल है, हील काफी अच्छी है, लाइक स्टेडी हील है लेकिन हैवी बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो या दिस वॉज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है ये एक नॉर्मल इंडियन वेयर के हिसाब से है, डेली वेयर के हिसाब से, लेकिन मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। ये ओवरऑल ऐसे बहुत अच्छी दिख रही थी बट सामने से ये अच्छी नहीं दिख रही है। तो ये है कुछ इस तरीके से फ्लैट्स, यहाँ पे सिल्वर की और ये आई डोंट नो इस कलर को क्या बोलते हैं, लाइक मैं कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो गई हूँ इस कलर को क्या बोलते हैं। तो ये दोनों कलर की है, जो कैमरा में दिख रहा है एग्जैक्टली वही कलर है एंड ये ग्लिटर वाला मटेरियल है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही वियर्ड सा दिख रहा है। तो इसे मैं डेफिनेटली रिटर्न करूंगी। मैंने परचेस किया है वो एक रनिंग शूज है, कुछ इस तरीके का, ब्लू कलर में है, बहुत ही अच्छा ब्लू कलर है, मटेरियल भी काफी अच्छा है, बहुत ही एयरी भी है, लाइक यहाँ पे ऐसा टेक्सचर दिया गया है जिसकी वजह से वो एयरी भी हो। बैक की मैं बात करूँ तो काफी अच्छा सा स्टर्डी मटेरियल है एंड बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बिल्कुल ही लाइट वेट है एंड काफी हद तक यहाँ पे ये मटेरियल है, लाइक इसका जो आगे का पोर्शन है वो काफी लंबा है तो काफी पूरा कवर कर लेगा लेग्स को, काफी अच्छे से ग्रिप देगा लेग्स को। तो या दिस इज द नेक्स्ट वन। कलर बहुत ही प्यारा था और ये मैंने कॉम्बो में लिया था, तो इसके साथ एक दूसरा मैं शेयर करूंगी वो भी इसके साथ कॉम्बो में था, तो दोनों ही मैंने लिया एंड या ऑफकोर्स आई एम कीपिंग इट, इट्स वेरी नाइस। सो पहले वाले के साथ जो कॉम्बो में आया था वो था ये, अगेन स्नीकर टाइप शूज है, तो ये गोल्डन एंड ब्लैक में डिटेलिंग दी गई है, लाइक फुल ब्लैक है और थोड़ी सी गोल्डन डिटेलिंग विद नीचे का व्हाइट, तो कॉम्बिनेशन वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, तो ये विच इज लाइक ग्रेट थिंग। मटेरियल की मैं बात करूँ, मटेरियल काफी अच्छा है एंड बिल्कुल भी ऐसा स्वेटी वाला मटेरियल नहीं लग रहा, काफी अच्छा मटेरियल है। अंदर एक कुशनिंग भी दी गई है इसमें, थोड़ी सी कुशनिंग भी है अंदर। एंड बैक की मैं बात करूँ तो बैक पूरा व्हाइट है, बहुत ही अच्छा सा व्हाइट कलर दिया गया है एंड ये क्वालिटी वाइज थोड़ी सी ओकेश है बट द प्राइस जिसका जितना इसका मैंने पे किया है इट्स वर्थ इट। लाइक ये और वो ब्लू वाला मेरे को कॉम्बो में मैंने लिया था तो विच इज ग्रेट, तो दोनों ही बहुत अच्छे। सारी फुटवेयर जो मैंने परचेज की है मीशो से, तो ये सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं और जो भी है आप परचेस करना चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप न्यू हो मीशो पे तो आप मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करोगे मीशो ऐप तो आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे 100 रुपीज या फिर 30%, विच एवर इज ग्रेटर, आपको वो डिस्काउंट एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। That was it for the day. I hope you like my video. अगर आपको मेरा video पसंद आया है तो like, share, comment जरूर करना। साथ ही साथ new हो मेरे channel पे तो wait क्यों कर रहे हो? जल्दी से subscribe करो. It would mean a lot to me. Till then, take care. Bye.